अशोक गहलोत ने पायलट पर लगाया सरकार गिराने की साजिश का आरोप। आज तक से कहा मेरी सचिन से दुश्मनी नहीं, लेकिन सबने की खरीद फरोख की कोशिश। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बिना मेहनत किए सचिन पायलट बन गए मंत्री। पायलट को राहुल ने भिजवाया संदेश, कांग्रेस के दरवाजे अभी भी खुले। सूत्रों के मुताबिक पायलट पर सीधे हमले को लेकर गहलोत से नाराज है हाईकमान। रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीजेपी ने बरगलाया, कांग्रेस के प्रति निष्ठा साबित करें सचिन पायलट। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का ट्वीट, बोले सचिन पायलट के लिए अभी भी रास्ते खुले हैं। मंत्री पद गंवाने के बाद पायलट ने चुना अपना रास्ता। इंडिया टुडे मैगजीन से बोले बीजेपी में नहीं जाऊंगा, नहीं की ज्योतिरादित्य से मुलाकात। सचिन पायलट ने कहा मैंने 5 साल मेहनत की लेकिन गहलोत बने सीएम, मुझे और मेरे समर्थकों को काम करने का नहीं मिला मौका। सचिन पायलट बोले अधिकारियों को कहा गया कि मेरे आदेश ना माने, गहलोत सरकार में बातचीत के लिए नहीं है जगह। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी और दूसरे सभी विभाग तत्काल प्रभाव से भंग, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा गठन। पायलट और समर्थकों पर कांग्रेस का नोटिस, वार 18 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा सचिवालय को भेजी चिट्ठी। सचिन पायलट समेत सभी बागी विधायकों को विधानसभा सचिवालय का नोटिस, 17 जुलाई को देना होगा जवाब। वल्लभ नगर विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के घर के बाहर नोटिस चस्पा, पायलट के करीबी है शेखावत। विधानसभा नोटिस पर गुलाबचंद कटारिया का बयान, कहा विधानसभा के बाहर पार्टी गतिविधियों के लिए नेताओं पर एक्शन का नहीं है प्रावधान। अंदरूनी झगड़े के बीच कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा हालात पर है हमारी नजर, आगे के घटनाक्रम के मुताबिक फैसला होगा। भारत और चीन के बीच 14 घंटे तक चली कोर कमांडर स्तर की सैन्य बातचीत, तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक भारत ने मजबूती से रखा अपना पक्ष, चीन से कहा एलएसी पर 5 मई वाली स्थिति बहाल की जाए। चीन को सख्त संदेश के बाद रक्षा मंत्री का एलएसी का दौरा, 17 जुलाई को फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लेंगे, एलओसी तक जाने का प्लान। भारतीय यू समिट में पीएम मोदी का संबोधन, हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को दुनिया में शांति के लिए बताया जरूरी। विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम मोदी का युवाओं को मंत्र, कहा हुनर ही इंसान को ऊंचाई पर पहुंचाता है। श्रीराम को नेपाल के बताने के बाद भारत में आक्रोश, ओली से माफी की मांग, भारत से लेकर नेपाल तक विरोध प्रदर्शन, जनकपुर में पुतला फूंका। ओली के बयान पर भड़का संत समाज, दरभंगा में अहिंसा स्थान सती के बैठक में ओली के बयान की निंदा। दिल्ली में भी ओली के खिलाफ गुस्सा, छतरपुर में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन। इंदौर में भी नेपाल के प्रधानमंत्री के विवादित बयान पर गुस्सा, संतों ने पुतला फूंका। श्रीराम को नेपाल का बताने के बाद अपने पीएम से आगे निकले विदेश मंत्री, कहा समय के साथ बदल रहा है इतिहास। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिन ऐसे ही बरसेंगे बादल। मुंबई के खारलिंक रोड पर भारी जलभराव, सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियां फंसी। मुंबई में रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश, मिलन सबवे जैसे लो लाइंग एरियाज में भी जलभराव से लोग बेहाल। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर जारी, 500 परिवारों ने मवेशियों के साथ बांध में शरण ली। दरभंगा में करेह नदी में भीषण उफान, हायाघाट के निचले इलाकों में भीषण बाढ़, गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कें पानी से भरी। बिहार में भारी बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से अररिया से बहने वाली नदियों में कोहराम, मदनेश्वर धाम मंदिर जलमग्न। यूपी के सिद्धार्थनगर में रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी, नेपाल से बह रही नदियों में जलस्तर बढ़ा, ओवरफ्लो हो रहे हैं बांध। बाढ़ की चपेट में है असम में बारपेटा जिले के 468 गांव, रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किए गए बाढ़ पीड़ित। असम के बक्सा जिले में दर्दनाक हादसा, इंडिया भूटान बॉर्डर पर नदी की तेज धार में फंसे युवक को बहा ले गया पानी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की वजह से 66 जंगली जानवरों की मौत, 70 जानवरों को रेस्क्यू किया गया। सीबीएसई ने किया 10वीं के नतीजों का ऐलान, 91% छात्र पास, 93.31% लड़कियों ने मारी बाजी, 90.14% लड़के पास हुए। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा में त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलुरु के छात्र सबसे आगे, टॉप 3 में तीनों शहर। दिल्ली के लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल की छात्रा सृजा छाबड़ा ने मारी बाजी, 499 अंकों के साथ पूरा किया पिता का सपना। एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले सुजीत कुमार जायसवाल ने हासिल किए 98% अंक, शिक्षकों ने की हौसला अफजाई। 24 घंटे में कोरोना से 582 लोगों की मौत, 29,000 से ज्यादा नए मरीज। देश में कोरोना के कुल केस 9 लाख के पार, अब तक 24,000 लोग गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में करीब 2,75,000 संक्रमित, करीब 10,000 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,15,000 के पार, 3,400 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। तमिलनाडु में 1,47,000 से ज्यादा मरीज, मरने वालों की संख्या 2,000 से ज्यादा। कर्नाटक में कोरोना के 44,000 से ज्यादा मरीज, 842 संक्रमितों की मौत। गुजरात में 43,000 से ज्यादा बीमार,
2000 से भी ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा, करीब 40,000 संक्रमित, 983 की मौत। तेलंगाना में 37,000 पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, 375 की मौत। कोरोना वैक्सीन पर ट्रंप ने ट्वीट से दी खुशखबरी, एक मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी कंपनी ने 45 लोगों पर किया सफल ट्रायल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर नकेल कसने का किया दावा, कहा फेल हुआ केंद्र सरकार का अनुमान। केजरीवाल ने कहा जुलाई मध्य में करीब 1,25,000 एक्टिव केस की थी आशंका, लेकिन आंकड़ा 18,000 के आसपास। दिल्ली के तिलक नगर में लोगों ने दो चोरों को जमकर पीटा, एक कार से उड़ाया था लैपटॉप और बैग, पिटाई का वीडियो वायरल। दर्शकों के स्वागत के लिए सज धज कर दिल्ली के सिनेमा घर तैयार, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस का इंतजार। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, शव कार्टून में डालकर नाले में फेंका, आपसी रंजिश में वारदात। पश्चिम बिहार में चल रही रेप पार्टी पर पुलिस का छापा, हाई प्रोफाइल लड़के लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा, क्लब मालिक गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद बीजेपी दफ्तर 4 दिन के लिए सील, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 2 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा, टोल की मांग पर की मारपीट। नोएडा में अर्षकन्या गुरुकुल की एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने वीडियो वायरल करके लगाया दुष्कर्म और हत्या का आरोप। विकास दुबे एनकाउंटर की एफआईआर में हैरान करने वाला खुलासा, मारे जाने से पहले गैंगस्टर ने एसटीएफ के एसओ के सीने पर चलाई गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट से बची जान। विकास दुबे को ले जा रही गाड़ी के मामले में भी एफआईआर में हैरान करने वाली जानकारी, एसटीएफ ने कहा सुरक्षा की वजह से बदली जा रही थी गाड़ी। एसटीएफ की एफआईआर पर उठे सवाल, तस्वीरों में उज्जैन से एनकाउंटर के 15 मिनट पहले तक एक गाड़ी में सवार नजर आया था विकास दुबे। विकास दुबे कांड में कल असलहे के साथ पकड़े गए शशिकांत पांडे की मां को पड़ा दिल का दौरा, जिला प्रशासन ने अस्पताल पहुंचाया। यूपी के सोनभद्र में अस्थायी जेल की खिड़की तोड़कर फरार हुए 2 कैदी, पुलिस ने एक को पकड़ा, लापरवाही, पुलिस वालों पर केस दर्ज। प्रयागराज में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर रही है पुलिस, बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी। यूपी के मिर्जापुर में एक घर पर नकाबपोश बदमाशों का हमला, एक महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के हाथरस में दीवारों पर चिपके 50,000 के इनामी बदमाश के पोस्टर्स, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस में की वारदातें। यूपी के रामपुर में 3 लोगों के साथ पकड़ा गया दिल्ली का कुख्यात बदमाश, गुड्डन पहाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने हुई मुठभेड़। लखनऊ में कर्ज से परेशान एक शख्स ने ली पत्नी की जान, घर वालों ने दर्ज कराया दहेज के लिए हत्या का मामला। मजदूरों की घर वापसी का गुजरा दौर, फिर से किया महानगरों का रोक, गांवों में काम नहीं मिलने से पैदल शहर के सफर पर निकले। लॉकडाउन में बर्बाद हो रहे कारोबार पर मुरादाबाद के व्यापारी उतरे सड़कों पर, दुकान खोलने और बंद करने की मियाद बढ़ाने की मांग। लखीमपुर खीरी में नेपाल जाने वाले हाईवे पर हाथियों ने जैम लगाया, करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा। मेरठ में विवाद में घायल हुए एक शख्स ने तोड़ा दम, शव के साथ प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार। केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूट रहे ग्लेशियर, यात्रा प्रभावित। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के मालेगांव मॉडल चर्चा में आया, डॉक्टर्स ने कहा 9 दवाओं से बने काढ़े ने बढ़ाई इम्यूनिटी। पुणे में एक महिला ने बनवाया 6.5 लाख रुपए का मास्क, N95 मास्क में सोने की डिजाइन की गई है स्टिचिंग। चंद्रपुर में बड़े भाई ने ली छोटे भाई की जान, प्रेमिका के साथ छेड़छाड़ पर भड़का गुस्सा। मुंबई के ग्रांड रोड इलाके में एक मकान का हिस्सा ढहा, 2 घायल। निजी बस संचालकों की महाराष्ट्र सरकार गुहार, आर्थिक संकट से बचाने के लिए मदद की मांग। मध्य प्रदेश में कोरोना किल अभियान पर उठे सवाल, अभियान के दौरान संक्रमण बेकाबू, 15 दिन में 5,400 से ज्यादा मरीज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉकडाउन की सख्ती, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। वंदे भारत मिशन के तहत यूक्रेन से 101 भारतीयों की वापसी, इंदौर के 20 यात्रियों को होटल में किया गया क्वारंटीन। मध्य प्रदेश के गुना में प्रदर्शन के दौरान महिला ने पति के साथ खाया जहर, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का कर रहे थे विरोध। हाई प्रोफाइल जुवेनाइल मोलेस्टेशन केस में प्यारे मियां लुकआउट नोटिस, नाबालिग लड़कियों ने दर्ज कराया था केस। बिहार में कोरोना का बेकाबू कहर, राजभवन के 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी बीमार, बीजेपी के 75 कार्यकर्ता संक्रमित। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी मां पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव, शहर के एसपी संक्रमित। डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी के 5 कर्मचारी भी बीमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव भी कोरोना की चपेट में।
भागलपुर में डीएम और एसडीएम कोरोना पॉजिटिव, बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान। बिहार के छपरा में दबंगों का धारदार हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान, दिल्ली से सटे 4 जिले में बिना कर्फ्यू के कोरोना पर काबू पाना मुश्किल। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत में लॉकडाउन पर विचार कर रही है हरियाणा की खट्टर सरकार। गुरुग्राम में युवक पर सरेआम फायरिंग, अलीपुर गांव में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने किया हमला, हालत गंभीर। पंजाब के बरनाला में करीब 50 हेक्टेयर धान की सीधी बिजाई बुआई से खुश नजर आए किसान, पंजाब सरकार को कहा शुक्रिया। फतेहपुर शेखावटी में पुलिस ने हत्या के एक आरोपी के घर से बरामद की 3 लाख से ज्यादा रकम, महिला की हत्या के बाद लूट का आरोप। धौलपुर में 16 साल की युवती के साथ रेप के मामले में युवक गिरफ्तार, पुलिस ने कहा बहला फुसला कर भगा ले गया था आरोपी। बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज, पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई, पूछताछ में जुड़ी सीआईडी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मास्क न पहनने पर डीएम ने युवक को जड़ा थप्पड़, उठक बैठक भी कराई। बिहार के सुपौल में बारिश की वजह से मुश्किल हुआ कोरोना मरीजों का इलाज, पब्लिक रेस्ट हाउस में बने कोरोना सेंटर्स में पानी भरा।